नमस्कार दोस्तों, मैं देसी ट्रेवलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम ट्राइबल फूड बनाने वाले हैं, और वो फूड क्या है मितान? चौर भाजा। चौर भाजा चिकन बनाते हैं ना? हाँ। उसी तरीके से उसको बनाया जाता है। उसके बाद जैसे 50% लगभग पकने के बाद, हाँ, चावल को धो करके डाल दिया जाता है। तो उसके बाद फिर पानी डालते हैं। अच्छा। और जब तक कि वो चावल पक न जाए, तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। और हम मिट्टी के बर्तन से चावल भाजा बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पूरा प्रोसेस चावल भाजा का। बिलासपुर यहाँ आसपास में है ना, रायगढ़ दूर हो जाएगा। 400 किलोमीटर होगा बिलासपुर। खाली चिकन अंडा मछली दुनिया भर का खाते हैं। दोस्तों चिकन कट के पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों चावल भाजा बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मिट्टी का पात्र, और बताया जाता है कि मिट्टी के बर्तन में किसी भी प्रकार का सब्जी या नॉनवेज बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो पत्थर का चूल्हा बना रहा है, उसके ऊपर में ये मिट्टी के बर्तन को रखेंगे और इसमें शुरू करेंगे चावल भाजा बनाना, फुल ट्राइबल तरीके से, देसी तरीके से, जो हमारे बस्तर गाँव में ज़्यादातर बनाया जाता है, हमारे आदिवासी भाई बनाते हैं। और जब से हम यहाँ आए हैं गाइस, तब से सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल फूड ही खा रहे हैं, जो बहुत टेस्टी होता है, जिसमें ना तो बाहर का हल्दी मिर्ची नमक, सिर्फ नमक रहता है, नमक के अलावा बाहर का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। मिर्ची प्याज और हमारे साथ शंकर बाटसी जी हैं जो बना रहे हैं। कलर का होने के बाद अपन इसको सीधा चिकन थोड़ा सा डाल लेते हैं। अच्छा। जब आधा पक जाएगा, हाँ, तो उसके बाद चावल धो करके इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मतलब ये थोड़ा बिरयानी तरीके से बनता है। हाँ। थोड़ा सा अलग है। अलग है। No.
तौल में ना नवा। क्या कर रहा राजू? इसका भी साफ कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम आ गए हैं रूम के अंदर और यहाँ पर हो रही है सफाई चावल की और इसका इस्तेमाल होने वाला है चावल भाजा बनाने के लिए। दोस्तों चिकन पक चुका है 50%। चावल भाजा बन के तैयार है, अब इसको अपन खाएंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट बनता है इसका। क्या लजीज दिख रहा है यार, चावल के अंदर चिकन। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं फिर। मिट्टी के बर्तन से बना हुआ चावल भाजा और केले के पत्ते में अगर खाएं तो उसकी क्या ही कहने हैं। तो चलिए पहले केले के पत्ते तोड़ते हैं, उसके बाद बैठ के अपन खाएंगे चावल भाजा। ये एक पत्ता मैं रख लेता हूँ, बहुत साफ है, इतना में तो हो जाएगा। खत्म। चलो मस्त है, साफ है, धोने की जरूरत नहीं। बहुत साफ है, बहुत साफ। दोस्तों काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे चावल भाजा तैयार होने का, मैं भी इंतजार कर रहा था, शायद आप भी इंतजार कर रहे थे, और अभी कंप्लीट तैयार हो चुका है हमारे बर्तन में ये चावल भाजा आ चुका है। हमारे साथ टेस्ट करने के लिए कौशल बाबा और शंकर वितान बैठे हैं जो ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, क्योंकि ये इतना टेस्टी बना है ना कि रुक ही नहीं पाएगा इंसान, देखते ही खाना चालू कर देगा। इसका स्मेल जो आ रहा है ना, सुगंध, वो दूर से आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया होगा। तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ। और ये चिकन का एक टुकड़ा, वाव, मजा आ गया मितान, अद्भुत है यार। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी और भी ट्राइबल फूड, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल मार्केट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।